नमस्ते सर, वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है, भारत ने 500 किलोमीटर रेंज वाली परले न्यू जनरेशन SRBM मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने 36 राफेल सौदे के तहत ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में देरी के लिए MBDA पर 1 मिलियन यूरो से कम का जुर्माना लगाया। भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अमेरिकी निर्मित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर को नहीं खरीदेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेड इन इंडिया मल्टी टेरन आर्टिलरी गन का किया अनावरण। IIT मद्रास ने विकसित किया मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम, जो कि मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत सरकार ने अब जुर्माना लगाया है डसॉल्ट एविएशन पर, उन्होंने अपना ऑफसेट दायित्व पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने राफेल विमान सौदे के तहत ऑफसेट दायित्व को पूरा करने में देरी के लिए यूरोपियन मिसाइल निर्माता MBDA पर 10 लाख यूरो से कम का जुर्माना लगाया है। फ्रांस की एरोस्पेस जगत की बड़ी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल विमानों का निर्माण कर रही है, जबकि MBDA विमान के लिए मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति करता है। बता दें कि राफेल सौदे के हिस्से के रूप में कुल अनुबंध मूल्य का 50% भारत में सितंबर 2019 और सितंबर 2022 के बीच हर साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष ऑफसेट के रूप में पुनर्निवेश किया जाना है। आपको बता दें कि MBDA ने अपना जुर्माना जमा भी कर लिया है। इसके अलावा CAG ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि डसॉल्ट एविएशन और MBDA ने राफेल विमान सौदे के तहत भारत को उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी की पेशकश करने के अपने ऑफसेट दायित्व को अभी तक पूरा नहीं किया है। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में भारत फोर्स कंपनी की स्वदेशी तोप को दुनिया के सामने पेश किया। 155x39mm मल्टी टेरन आर्टिलरी गन यानी कि MRG-155 BR को दुनिया की पहली ऐसी तोप माना जा रहा है कि जो किसी ट्रक पर माउंट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को करीबन 194 यानी कि 194 इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी जारी किए हैं। भारत फोर्स कंपनी ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि करीबन 18 टन वाली ये तोप 4x4 हैवी मोटर व्हीकल पर लगाई गई है और ये पर्वतीय इलाकों में भी तैनात की जा सकती है। भारतीय सेना के तोपखानों में जो बफोर्स इत्यादि गन है वे टोड हैं, यानी कि उन्हें खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, लेकिन भारत फोर्स की ये देशी तोप क्योंकि ट्रक पर लगी है, इसे इसीलिए खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं है। भारत फोर्स के मुताबिक ये गन 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 42 राउंड, ट्रक में एक बार में 18 राउंड गोले उठाने की क्षमता है। ये दिन में महज 1.5 मिनट में एक्शन के लिए तैयार हो सकती है, जबकि रात में मात्र 2 मिनट में। कंपनी ने यह दावा किया है कि इस तोप से नाटो स्टैंडर्ड के सभी प्रकार के गोला बारूद दागे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह देश की तीसरी प्राइवेट आर्टिलरी गन है। इससे पहले भारतीय सेना में 100 K9 वज तोपें शामिल की जा चुकी हैं, जो LNT कंपनी ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर तैयार की है। इसके अलावा टाटा कंपनी भी DRDO के साथ मिलकर तोप बना रही है, जिसके ट्रायल्स अभी भी जारी है। दोस्तों, ये बेहद जरूरी भी है कि प्राइवेट फर्म्स को इन क्षेत्रों में आगे आना, क्योंकि आज आप अगर इसराइल का उदाहरण लेते हो या अमेरिका का या फिर रशिया का, तो इन सभी जगहों पर निजी जो क्षेत्र हैं वो डिफेंस सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी इसी के तहत प्राइवेट कंपनीज के लिए भी लाइसेंस जारी किए, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले समय में जिन तोपों को हम खरीदते थे उनकी जगह अब इनका निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इंसानी दिमाग की तरह सोचने वाली मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम को विकसित किया है। इसका कैलकुलेशन काफी फास्ट और सटीक है। इसकी मदद से हवाई, जमीन और पानी में चलने वाले वाहनों को नेविगेट करने में काफी सुविधा मिलेगी। ड्राइवरलेस कार का सपना हो या फिर दूर बैठकर ड्रोन की निगरानी करना या फिर समुद्र में बिना मानव के ऑटोमेटिक जहाजों की निगरानी करना, इस एल्गोरिथम के जरिए संभव हो सकेगा। नई तकनीक के जरिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सकता है। अभी ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए एक निर्धारित सीमा के भीतर रहना होता है। अगर ड्रोन तकनीक के भीतर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता दी जाएगी तो ये बिना मानव का विमान एक अलग ही तरीके से कारगर साबित हो जाएगा। साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार, ISR को चलाने और ग्रहों की खोज जैसे मामलों में इससे मदद मिलेगी। यानी कि IIT मद्रास ने एक जबरदस्त तकनीक विकसित की है, इंसानी दिमाग की तरह सोचने वाला एल्गोरिथम, जो कि कई सारे सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में कारगर साबित होगा। भारत ने ओडिशा के तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परलय का सफल परीक्षण किया। DRDO ने कहा कि DRDO के द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पृथ्वी रक्षा वाहन यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। बताया जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीबन 10:30 बजे इस मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया था और इस मिसाइल ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा भी कर लिया है।
साथ ही सूत्रों ने कहा कि निगरानी उपकरणों के जरिए तट रेखा से इसके परीक्षण की निगरानी की गई। बता दें कि इंपैक्ट की जगह पर तैनात सेंसरों ने मिसाइल परीक्षण की सटीकता को भी नोट किया। परले मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस मिसाइल में जो गाइडेंस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। भारतीय नौसेना ने फैसला किया है कि वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर को यूएस की फर्म जनरल एटॉमिक्स से नहीं खरीदेगी। बता दें कि जनरल एटॉमिक्स ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम जो कि दो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और साथ ही एडवांस अरेस्टिंग गियर है, इसकी कुल लागत $1.3 बिलियन की है। साथ ही जनरल एटॉमिक्स ने एक छोटा और एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को भी बनाया हुआ है। साथ ही इसमें एडवांस अरेस्टिंग गियर भी है जो कि 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार की गई है, लेकिन अभी तक इसका किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट नहीं हुआ है। यानी कि भारत ने अब साफ तौर पर मना कर दिया कि उन्हें अमेरिका से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं चाहिए। रशिया ने अब एक नए ओरियन यूएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। बता दें कि रशियन यूएवी बिल्कुल अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही दिखता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी ताकत कहीं ज्यादा है। दरअसल रशिया के ओरियन यूएवी ने अपने टेस्ट के दौरान एक रोटरी विंग ड्रोन को भी सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, जिसके बाद जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ओरियन को ड्रोन किलर मिशन कहा जा सकता है। और अपने टेस्ट के दौरान ओरियन यूएवी ने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एक गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च किया। साथ ही रशिया के रक्षा मंत्रालय का ये भी दावा है कि ये टेस्ट साबित करता है कि रशिया का ओरियन ड्रोन अब युद्ध के मैदान में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। बता दें कि ओरियन ड्रोन की जो टॉप स्पीड है वो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी पहली उड़ान 2016 में की गई थी और 2020 में रशिया ने इसे अपनी सेना में शामिल कर लिया था। रशिया अब तक इनकी 30 यूनिटें बना चुका है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन है 1000 किलोग्राम का और ये 200 ग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ओरियन ड्रोन की रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि इसे 8000 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई तक भी ऑपरेट किया जा सकता है। और इस ड्रोन की खासियत यह है कि अगर ये एक बारी में हवा में जाता है तो 24 घंटे तक उड़ सकता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रशिया ने इसका जो परीक्षण है, यानी कि परीक्षण ही क्या समझा, इसका इस्तेमाल जो है वो सीरिया में किया था। उस दौरान इसने जमीन पर कई लक्ष्यों को भी निशाना बनाया था। हालांकि इसमें अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। 9M113 कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इसे मैन्युअली गाइड करना पड़ता है। इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन में इंफ्रारेड और टीवी गाइडेड मोड भी है और इसकी मिसाइलें यूएवी हेलीकॉप्टरों को कम ऊंचाई पर ही खत्म कर सकती हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर इसराइल को लेकर। आखिर इसराइल की कंपनियां चीन को चोरी छिपे क्रूज मिसाइल निर्यात क्यों कर रही थी? इस खबर ने अब काफी बड़ा तूल पकड़ लिया है। दरअसल चाइना की दक्षिणी चीन सागर से लेकर लद्दाख तक दादागिरी देखने को मिल रही है। चीनी ड्रैगन को इजरायली कंपनियां चोरी छिपे क्रूज मिसाइल का भी निर्यात कर रही थी। इसराइल की 3 कंपनियां और 10 संदिग्धों को दोषी भी ठहराया गया है। ये सभी आरोपी बिना अनुमति के इजरायली क्रूज मिसाइलों का चीन को निर्यात कर रहे थे। इजरायली मिसाइलों से चीन के पड़ोसी देशों को मुश्किलें आ सकती हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा टेंशन भारत के लिए है। बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल के निर्यात कंपनी सोलर स्काई के मालिक इफ्राम मैनेशे ने उन लोगों में शामिल है जिन्होंने चीन की कंपनियों के साथ डील को अंजाम दिया। ये कंपनियां चीन की सेना को क्रूज मिसाइल मुहैया कराने के लिए टेंडर में भी शामिल थी। इस डील में जियोन गजेट और उरी शाचर ने मध्यस्थता भी की थी, जो एक सुरक्षा सलाहकार कंपनी के मालिक है। बता दें कि ये कंपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी ड्रोन बनाती है। मिनाशे ने क्रूज मिसाइल और उसके कलपुर्जा बनाने वाले अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया। इजरायली वकीलों ने दलील दी है कि इन संदिग्धों ने न केवल दर्जनों क्रूज मिसाइलों को बनाया है बल्कि इजरायल की जमीन पर ही कई टेस्ट भी किए। इससे इजरायल के नागरिकों के जीवन पर भी खतरा हो सकता था। इन मिसाइलों को गुप्त तरीके से चीन को निर्यात कर दिया गया। इसके बदले में मिनाशो को करोड़ों डॉलर भी मिले थे। इस पूरे मामले की जांच इजरायली पुलिस ने की थी और फरवरी महीने में 20 इजरायली लोगों से पूछताछ भी की गई। जांच में ये भी पता चला कि चीन से इन लोगों को मिसाइल को लेकर आदेश मिलते थे। इसके बदले में चीनी इजरायल की कंपनियों को मोटा पैसा और अन्य सुविधाएं देते थे। यानी कि दोस्तों ये बात तो अब सामने आई है जब इस खबर का खुलासा हो गया है, लेकिन चोरी छिपे क्रूज मिसाइल की तकनीकें पहुंच चुकी हैं चाइना के पास और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए और उन देशों के लिए भी जिनका चाइना के साथ दुश्मनी चल रही है। ऐसे में क्रूज मिसाइल की तकनीक का निर्यात होना और फिर आप समझ सकते हैं कि ये तकनीक कहां से कहां पहुंच सकती है। ये चीन से पाकिस्तान भी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा ये उत्तर कोरिया तक भी पहुंचेगी।
तो इस तरीके से एक नेक्सस बन रहा है इसराइल, इसराइल का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन इसराइल के ही लोग हैं जो ये चीज़ दे चुके हैं, तो इसलिए इसराइल देश का नाम भी यहाँ पर आना संभव हो जाता है। इसराइल के इन दुष्ट लोगों की करतूत की वजह से कितनी महत्वपूर्ण तकनीक चाइना के पास जा चुकी है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा ही, इसीलिए भारत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही हैं। अब भले ही इनको जेल में डाल दो या इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर लो, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको एक तो मोटा पैसा मिल चुका है, दूसरा इन्होंने तकनीक भी शेयर कर दी है। लेकिन दोस्तों चीन को चोरी छिपे क्रूज मिसाइलें पहुंच चुकी हैं इसराइल के द्वारा, तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है और हम क्या कर सकते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि इस बड़ी मुश्किल से भारत कैसे निकलेगा और कैसे उभरेगा, क्योंकि इसराइल दुनिया भर में सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स बनाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे हम लोग इससे पार पा सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपका, कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।